अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देश महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धधक रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मेरे को आपकी पूरी आवाज पूरी नहीं आई जी। सांसद ने जिस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी है, और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेर फेर हो गया है। वो अपनी भावना को, मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पाए हैं, इसलिए मैंने कहा कि सांसद से ही उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। सरोज जी, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट संसद द्वारा ही पारित कराया गया जी। क्या मानते हैं कि 1400 प्रतिदिन नहीं है, 87 है, मात्र 87 है, पहले से 7% बढ़ा है, ये ठीक है। 62% जी, जब संसद द्वारा पारित होने के बाद भी ये कानून सुचारू रूप से नहीं चल पाया, अभी आप कह रहे हैं कि 2 महीने में पूरी रिपोर्ट बन जानी चाहिए, कितना मानते हैं कि बन पाए किस प्रकार, कार्यान्वयन होना कितना संभव मानते हैं? देखिए, कानून में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं उसमें कानून का भय बने, कानून अपना काम करे, और कानून को किस प्रकार से कितना प्रभावशील किया जा सकता है उसी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पहले भी बहुत से विधेयक आए हैं, आपकी बात अपनी जगह पर सकते हैं, लेकिन पहले से जो स्थिति है वो बेहतर हुई है और भी बेहतर होने की आवश्यकता है, और जहां पर जिन कारणों से हम पीछे रह जा रहे हैं, जिसकी आड़ में न्याय नहीं मिल पाता है, उसी के लिए ये शुरुआत हुई है। देखिए, मैंने बात की शुरुआत में ही कही और उस बात को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब हम न्याय मांगने के लिए महिला जाती है तो बहुत बार बहुत सारी चीजों से गुजरती है, समाज की नजरों से उसे गुजरना पड़ता है, समाजों से वापस वो स्थान पाना पड़ता है, और पुलिस उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई करती है, और कई बार अगर अपराधी बाहुबली भी और अन्य विषयों पर भी अगर वो मजबूत है तो केस दब जाता है, इसके कारण ही इसकी शुरुआत हुई है कि आप। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।